हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं आई हूँ नर्सरी और कुछ पौधे अभी मैं लेके जाऊँगी जो मैं अपना छोटा सा गार्डन बनाऊँगी। तो उसके लिए मैं अभी कुछ पौधे लेने आई हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे पौधे देख रही थी, अच्छे से पूछ रही थी कि कौन कौन सी वैरायटी है यहाँ पे। वैसे हर तरह की वैरायटी थी, तो मैं वही पूछ रही थी कि आपके पास कौन कौन सी वैरायटी है। तो मुझे कुछ गुलाब के पौधे चाहिए थे, तो मैं 2 गुलाब के पौधे ले जाऊँगी। और मुझे चाहिए थे गुड़हल के पौधे, तो मैं गुड़हल के पौधे भी लेके जाऊँगी। तो ये मैं ऑरेंज वाला गुड़हल के पौधे लेके जा रही हूँ। तो ये सदाबहार के पौधे हैं, तो इसमें मस्त फूल खिले हुए थे रंग बिरंगे, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो मैं इसमें से भी कुछ वैरायटी ली हूँ। कैसा रेडी है वाला? अच्छा दिख रहा है यार। लो साठ साठ बोलते हैं दोनों। लगाइए ना, लगा सही। तो मैं ये सारे पौधे नर्सरी से लेके आई हूँ। तो मुझे ये डहलिया का पौधा भी बहुत अच्छा लगा, तो मैं ये लेके आ गई हूँ। अच्छा ना, एकदम ग्रोथ हुआ है। एक्चुअली इसको अलग अलग भी लगा सकते हो यार, थोड़ा पता है उसमें से अलग अलग भी लगा सकते हो। तो मैं हैंगिंग पॉट के लिए ये 100 वाले पौधे में लेके आई हूँ। तो एक्चुअली इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना ये कौन सा पौधा है।
हो जाएगा। तो अब इन सारे पौधों को हमने लगा दिया है, तो ये पौधे लगाने का काम वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं इन सारे पौधों को लगाने के बाद इसमें मैं कंपोस्ट डाल रही थी। कंपोस्ट डालने से पौधे बहुत अच्छे रहते हैं, अच्छे से ग्रोथ करते हैं, इसलिए मैं इसमें सारा थोड़ा थोड़ा करके सारे में डाल दूंगी कंपोस्ट।
अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल फ्लोरिस बनने को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि मेरा गार्डनिंग आप लोगों को कैसा लगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।